दोस्तों, भाइयों बहनों और अपराधियों, यहाँ अपराधी कोई नहीं है चिंगम सर। ओह सॉरी, पुलिस वाला हमेशा अपराधी के बारे में ही सोचता है। तो दोस्तों, आज मोटू पतलू ने पुरपुरी नगर में पेड़ लगाने का नया अभियान शुरू किया है। देश में जितने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे उतनी हरियाली बढ़ेगी, और जितनी हरियाली बढ़ेगी उतना ही अच्छा मौसम होगा। लेकिन चिंगम सर, पेड़ को बढ़ने में तो कई साल लग जाते हैं। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि आज पेड़ लगाए और कल से ही हरियाली शुरू हो जाए। ओए मोटू मेरे प्राण, मेरे यार, उसका तरीका मेरे पास है यार। ये दवा पेड़ में 2 बूंद डाल दो और पेड़ जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा यार। ओए कसम मेरे मरीजों की, ये क्या कर दिया तुमने, सिर्फ 2 बूंद डालनी थी। अरे 2 बूंद से क्या होगा, पूरी बोतल ही डाल दी, अब और जल्दी हरियाली आएगी। ये पेड़ कहाँ से आ गया, कल तक तो नहीं था। ये तो वही पेड़ है जो कल लगाया था। डॉक्टर झटका की दवा का असर है जो इतना बड़ा हो गया। वो देखो कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। बूढ़ी बाबा, ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, डॉक्टर झटका तुम्हारा दवा तो कमाल है। चलो रे आम तोड़ते हैं, देखो कितने अच्छे आम लगे हैं। खबरदार, ये मेरा पेड़ है, आम मैं तोड़ूंगा। हम इंसान हैं, हम किसी पेड़ से नहीं डरेंगे। अरे हमने तो आंधी तूफान समुद्र पर्वत सब पे विजय हासिल की है, ये पेड़ क्या चीज है। हाँ मोटू, तुम ठीक कहते हो, जाओ और जाके आम तोड़ लो। अरे मैं अभी अभी मार खा के आ रहा हूँ और तुम मुझे ही भेज रहे हो। आंधी तूफान पे विजय पाने की बात भी तो तुम ही कर रहे हो। चलो हम सब मिल के इस पेड़ पे खूब पत्थर मारते हैं, आम अपने आप ही टूट जाएंगे और फिर हम सब मिल के आम खाएंगे। ठीक है, चलो चलो। दोस्तों एकता में बल है, याद रखो एकता में बल है। अब मेरा मतलब है यूनिटी में बल है, एकता मतलब यूनिटी। किसी ने कहा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चलो सब एक साथ ये गुलेल खींच के पत्थर मारते हैं। अब देखता हूँ ये अपने आम कैसे बचाता है। खींचो और खींचो और छोड़ दो। चलो एक साथ हमला करके आम उठाकर भाग लेंगे। किस किस को रोकेगा ये पेड़। सॉरी सॉरी पेड़ जी, गलती हो गई। ये ऊपर वाले कहाँ फंसा दिया। पेड़ जी माफ कर दो, मोटू के चक्कर में मैं हमेशा फंस जाता हूँ। सॉरी सॉरी, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, छोड़ दो। मार सुनिया, यूनिटी स्ट्रेंथ किसका आइडिया था। ओए पेड़ को अरेस्ट करने का कोई कानून होता तो मैं उस पेड़ को अरेस्ट करके जेल में डाल देता।
ओए मुझे सिर्फ एक आम दे दो, फिर उसके रस पे रिसर्च करके ऐसी दवा बनाऊंगा कि ये पेड़ गायब हो जाएगा। बस एक आम चाहिए मुझे। एक आम लाना तो मोटू के बाल हाथ का खेल है। नहीं नहीं, मैं अपने हिस्से की मार खा चुका हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है और तुम्हें ही जाना होगा। वैसे भी तुम हम सबसे बहादुर हो। याद है मोटू, जब हम फौज में थे तो तुमने अकेले ही दुश्मनों की चौकी पे कैसे कब्जा कर लिया था। मैं अभी आम उठा रहा हूँ। अरे रुको ना, क्या कर रहे हो? मोटू बचाओ! ये क्या है? मेरे दोस्त को छोड़ दो अभी इसी वक्त। एक आम के लिए इतना नाटक, इस आम के लिए इतना नाटक। अरे इसकी तो जात का भी पता नहीं, ये हापुस है, बादामी, लंगड़ा या फिर कोई और, फिर भी इतना नाटक। ये लो, नहीं चाहिए तुम्हारा आम, छोड़ो मेरे दोस्त को। नहीं चाहिए तुम्हारा आम, रखो इसे। मोटू क्या कर रहे हो? आम मिल रहा है तो ले लो। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा इसका आम, जो कि बेनाम है, जिसका कुछ अता पता नहीं कि कौन सा आम है। ओए मार सुटिया पापड़ वाले नू, ओए कमरी तोड़ दी। अरे किसी को आम मिला? मिला था लेकिन हमारे साथ नहीं आया। मुझे मिला एक आम। कब से आम खाने को तरस रहा था? ये आम डॉक्टर झटका के रिसर्च के लिए था, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। सॉरी, अब क्या करें? ओ इस आम का छिलका दे दो, काम हो जाएगा यार। मोटू अब ये दवा डालना जरूरी है, पेड़ की जड़ में दवा जानी चाहिए, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, अब तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, तुम सामने से समोसा खा के हमला करो और मैं पीछे से बिना समोसे खाए अटैक करता हूँ। लगता है उसने भी समोसे खाए हुए हैं। इसे बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, ये हमेशा ऐसे ही अंदर बंद रहेगा। पूरी बाबा, शुक्र है ऊपर वाले का इस मुसीबत से छुटकारा मिला। ये बोतल मुझे दे दो, कुछ दिन मैं इसे जेल में बंद करके रखना चाहता हूँ, तब भी मुझे चैन मिलेगा। अब हमें पटक के दिखा। हम इंसानों में एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। एक और कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखो, तुम्हें जिंदगी भर इसमें रखूंगा बदमाश। चलो एक आम तो खा ही लेता हूँ, छोटा ही सही। ओ ये क्या कर दिया, मैंने कहा था इसे हवा नहीं लगनी चाहिए।